नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में इंडिया के एस इन्वेस्टर, दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला साहब के बारे में। आज इनका 61वां जन्मदिन है और इन्वेस्टमेंट का सफ़र इनका 36 साल का हो चुका है, यानी 61 - 36 25 साल की उम्र से ये लोग इन्वेस्ट करने के लिए शेयर बाज़ार में काम कर रहे हैं। और 5,000 रुपये से जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट की थी, आज की डेट में टोटल पोर्टफोलियो का वर्थ इनका 34,000 करोड़ का है। इन 37 स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, यानी टॉप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें इन्होंने हाल ही 19,800 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, खबर स्टार्ट करेंगे इस खबर के साथ, राकेश झुनझुनवाला बर्थडे टुडे, ₹5,000 इन्वेस्टमेंट टू नाउ 34,000 करोड़, जर्नी फ्रॉम बियर टू बुल। तो देखिए, बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला साहब के पोर्टफोलियो के बारे में। लेटेस्ट अवेलेबल डेटा जो कि मार्च 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ये डेटा निकाला गया है। 37 शेयरों में टोटल इनका इन्वेस्टमेंट है, जिसमें 19,800 करोड़ रुपये इन्वेस्टेड है टोटल पोर्टफोलियो में। टॉप 5 शेयरों में आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा नाम जो है टाइटन का है, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास इसमें इन्होंने इन्वेस्टेड किया हुआ है। टाटा मोटर्स पे सेकंड नंबर पे करीब 1500 करोड़, क्रिसिल में 1,000 करोड़ के आसपास का इनका निवेश है। ल्यूपिन में इन्होंने 840 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ल्यूपिन में इन्होंने जो बाइंग की थी मात्र 8 रुपये प्रति शेयर के भाव पे, करीब अर्ली 90s में इन्होंने बाइंग की थी, और आज की डेट में स्टॉक का प्राइस 1150 के आसपास चल रहा है, यानी 150 गुना अमाउंट इनको रिटर्न जो है अकेले लुपिन से मिल चुका है। हालांकि लुपिन कुछ समय पहले 2000 के लेवल के हाइस पे भी गया था, लेकिन इन्होंने स्टेक सेल नहीं की, कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, एज इट इज़ स्टेक को उन्होंने बरकरार रखा। फोर्टिस हेल्थ केयर में 810 करोड़ रुपये इनके इन्वेस्टेड है। उसके अलावा मार्च तिमाही में इन्होंने जो है कंपनी जुबिलियंट फार्मोवा से सेपरेट हुई थी, जुबिलियंट इंग्रीविया, इसमें इन्होंने बाइंग कर रखी है 6.3% का हिस्सा। इसके बाद इस जुबिलियंट इंग्रीविया में लगातार जो है अपसाइड देखने को मिली, हालांकि ऊपरी स्तरों से स्टॉक अब थोड़ा करेक्ट हो चुका है। न्यू बाई को लंबी अवधि के लिए करना चाहे तो अभी स्टॉक का प्राइस एकदम जो है अच्छा अट्रैक्टिव लेवल पर चल रहा है। उसके अलावा मार्च 31, 2021 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप देखें तो टाइटन, टाटा मोटर्स, क्रिसिल, लुपिन, फोर्टिस हेल्थ, नजारा टेक, फेडरल बैंक, डेल्टा कॉप, डीबी रियल्टी एंड टाटा कम्युनिकेशन जैसे स्टॉक्स में इनका जो है 19,695 रुपये लगभग इन्वेस्टेड है अकॉर्डिंग टू डेटा बाय ट्रेंड लाइन। उसके अलावा ऐसे स्टॉक्स की बात करें जिसमें हिस्सा इनका 1% से कम है या फिर ये एग्जिट कर चुके हैं, जिसमें आयन एक्सचेंज है 1% से कम या हिस्सेदारी है, फर्स्ट सोर्स, आईबी रियल इस्टेट और साथ ही जीएमआर इंफ्रा। एफएसएल में इनकी बाइंग बहुत ही ज़्यादा नीचे के प्राइस पे, और पिछले एक साल में स्टॉक ने काफ़ी बम्पर रिटर्न जो है यहाँ पर दिए हैं। और बात करें उन स्टॉक्स की जहाँ पर इन्होंने हिस्सेदारी पिछले मार्च के क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से बढ़ाई है, वहाँ पे है MCX 1% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जुबिलियंट फार्मोवा 0.5% की हिस्सेदारी इन्होंने बढ़ाई है, फोर्टिस हेल्थ में 0.3% की स्टेक को इन्होंने इंक्रीज़ किया है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं एग्रो टेक फूड्स में इन्होंने 0.20% की हिस्सेदारी और बढ़ाई है, टीवी 18 में इनके पास 0.10% तक की हिस्सेदारी है वो होल्ड करते हैं। शेयर बाज़ार में लंबी अवधि में किस प्रकार से शानदार मुनाफा बनता है, कई कई हज़ार गुना के परसेंट के रिटर्न जो कि 20 से 30 सालों की अवधि में मिलते हैं, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। इनका इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ रुपये से मात्र इन्होंने स्टार्ट किया और आज ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं आप इस चीज़ को अच्छी प्रकार से देख रहे हैं। लंबी अवधि को शेयर बाज़ार में अगर कोई इन्वेस्टेड रहता है तो उसका फल किस प्रकार से मिलता है और कैसा शानदार मिलता है, इसको समझने के लिए एक उदाहरण मैं लेता हूँ, दीपक नाइट्रेट का। आप किसी भी शानदार कंपनी का उदाहरण यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन दीपक नाइट्रेट को मैंने चूज़ किया है। सपोज़ कीजिए किसी ने राकेश झुनझुनवाला की तरह ही 2012 में जो है दीपक नाइट्रेट में इन्वेस्ट किया था 14 रुपये के प्राइस, 15 रुपये के प्राइस पे, और एक साल उसने होल्ड किया तो एक साल में रिटर्न मिला 100% का, यानी इसका मुनाफा हो गया डबल। उसके बाद ठीक उसके एक महीने बाद और देखेंगे तो एग्जैक्टली पूरे साल कुछ मुनाफा नहीं हुआ, स्टॉक साइडवेज ही ट्रेड करता रहा, यानी एक साल में स्टॉक जो है प्राइस डबल हो गया और दो साल में भी डबल ही रहा। लेकिन वहीं बात करें कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट की ताकत की, तो देखिए
उसके तीसरे साल इन्वेस्टमेंट के स्टॉक का प्राइस पहुंच जाता है लगभग 90 रुपये का। 15 में लिया हुआ था, 2013 में डबल हुआ, 2014 में भी डबल ही रहा, लेकिन 2015 में सीधे जो है 15 × 5 यानी 75 रुपये भी माने तो 90 रुपये मान रहे तो 90 यानी 6 गुना रिटर्न इसको मिला 3 साल में एक इन्वेस्टर को। आगे और देखिए, अब बात करते हैं सीधे 5 सालों की, यानी 2012 के बाद 2017 में क्या वैल्यू मिली अंत में, जो कि आप देख सकते हैं 96 रुपीज़, यानी लगभग 6 गुना ही जो है मुनाफा रहा। 15 के प्राइस पे लिए थे तो 96 लगभग 6 गुना ही रहा। और उसके बाद सीधे देखते हैं 2020 में, यानी 12 से लेकर 2020 यानी 8 सालों में देख सकते हैं 380 रुपये, जो स्टॉक्स 15 रुपये में लिए थे वो पहुँच चुका है 380 रुपये का एक, यानी मुनाफा हुआ लगभग 25 गुना। 15 रुपये में लिया था और 380 का प्राइस माने तो लगभग 25 गुना रिटर्न मिल चुका है पिछले 8 सालों में। लेकिन अब बात करें कंपाउंडिंग पावर की, तो देखिए रिसेंट में किसी ने 12 से लेके आज 21 यानी 9 सालों में बात करें तो आज स्टॉक का प्राइस 1940 रुपये चल रहा है, तो 15 रुपये में किसी ने लिया था तो आप जो है इसका रिटर्न निकाल सकते हैं, जो कि रिटर्न बनेगा 132 गुना का। ये पावर दिखाने के लिए ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि शुरू में 1 साल में डबल रहा, फिर 2 साल में डबल रहा, 3 साल में जो है 6 गुना रहा, 4 से 5 साल भी 6 गुना रिटर्न रहा, उसके बाद 7वें 8वें 9वें साल और फाइनली आज देख सकते हैं आज की डेट में रिटर्न जो है 132 गुना हो चुका है। यानी किसी ने 15 रुपये लगाए थे और एक ही स्टॉक लिया था तो उसके 15 रुपये के 1980 रुपये बन चुके हैं आप रिटर्न का इन्वेस्टमेंट। देख सकते हैं कंपाउंडिंग रूप से किस प्रकार से काम करता है, यही लंबी अवधि की शक्ति बताने के लिए मैंने ये एग्जांपल आपको दिखाया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।